कैसे हैं आप लोगों में देखिए आप सभी लोग अच्छे हैं। तो फिर स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं दोबारा से क्राफ्टमैन 4 और होने वाला है इसका एपिसोड नंबर 6। तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लीजिए। और तो फिर आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो गाइस पिछली वाली वीडियो में आपने लोगों ने खेती करी थी, डायमंड माइन करे थे और काफ़ी सारा काम करा था। लेकिन अब ये देखिए कि मेरा यहाँ पे एक मिनट या कुछ से कहाँ जा रहा है। पहले आप ये देखिए कि मैंने फार्म कितना ज़्यादा बड़ा कर लिया है। ये कोई बटन आ रहा है टेम वाला देखा था। अरे वाह गाइस ये भी सही है। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है वो? ये मेरे पीछे पीछे आएगा क्या? एक मिनट तेरा जी कहीं भी दूसरा भी था। मेरे अंदर मत घुस। अरे गाइस वो देखो बच्चा, क्या हम बच्चे को भी टेंप कर सकते हैं? तो यस गाइस बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो एक ही हड्डी में हो गया, ऐसा पेट भी छोटा है ना। और यहाँ तो कोई नहीं है बस गाइस ये दो ही हैं क्या? और तो मुझे नहीं लग रहा है। एक सेकंड मैंने उधर कुछ देखा, उधर गाइस एक और है क्या? अरे वाह गाइस एक और है। ए रुक जा यार तू रुक जा देख अभी कितना खाएगा। अभी क्या जन्मों से घूम पाए ऐसे? सिट का ऑप्शन, स्टैंड का ऑप्शन, सिट का ऑप्शन, स्टैंड का ऑप्शन, सिट का है। अरे वाह ये भी सही है। आओ मेरे पास तो कुत्तों। तो गाइस आज ही हम माइनिंग से करते हैं, पहले माइनिंग से शुरुआत करते हैं, उसके बाद अपने लोग खेती करेंगे। और गाइस आज हाँ गाइस एक चीज़ तो रहेगी, फिर माइनिंग करेंगे। गाइस अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी हो तो मैं मतलब एक्सप्लोर करने गया था और मुझे एक विलेज मिला था। तो मैंने वहाँ लूटपाट मचा दी थी पूरी तरह से। तो मुझे मिली कुछ चीज़ें, वो क्या है? और ट्रेडर हैं उसकी दो लामा पता नहीं कहाँ चलेंगी। गाइस मैंने नहीं मारी है सच में, सच में गाइस। तो मुझे वहाँ पे हेवल्स भी मिली थी और वाटरमेलन तो भर भर के। तो इन हेवल्स को मैं यहाँ लगाऊंगा। ये हेबल्स भी बड़े काम की चीज़ें हैं, बहुत सारे वीट बनते हैं और वीट से ब्रेड बनता है। और एक दो तीन चार पता नहीं फिटे साहब बैठा है गाइस। हाँ इन्हें भी जल्दी से अपने लोग पकने लगाते हैं। और गाइस मैं देख के आया था कि हम इंचेंटिंग टेबल भी बना सकते हैं, उससे अपने आर्मर को भी इंचेंट कर सकते हैं। और तो और फिर अपने लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल भी बन सकते हैं। और इस वाले गेम में विदर भी है गाइस। आप लोग एक मिनट रुकिए प्लीज। सॉरी गाइस प्लीज़, वो मम्मी बुला रही थी तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा, लेकिन मैं आ गया हूँ अब। हाँ तो फिर मैं कहाँ पर था कि हमें एक्सपी मिलेंगी और एक्सपी से ही हम कर सकते हैं। ए कुत्तो मेरे घर से बाहर निकलो, चल चल चलो इधर आओ, इधर बाहर 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 आओ बाहर। अरे ये लोग तो बड़े नालायक हैं, बात ही नहीं सुनते हैं। हाँ हाँ सुनते हैं सुनते हैं। तो गाइस इन्हें मैं यहीं बिठा देता हूँ, एक काम करता हूँ। अरे एक मिनट दोबारा से मम्मी बुला रही है, मैं अभी आ रहा हूँ। गाइस तो फिर मैं दोबारा से आ चुका हूँ और आ जाइए अब अपने लोग चलते हैं। लेकिन एक सेकंड, ये तो रात हो गई। सॉरी गाइस वो बीच बीच में थोड़ा मम्मी बुला लेती हैं तो इसलिए जाना तो पड़ता ही है, आप लोग को समझते ही हैं। अरे मैं सोचने जा रहा हूँ
आप सो गए। चलो आप सो के उठ गए और चलते हैं फटाफट से अपने लोग माइनिंग पे चलते हैं। तो गाइस आज मैं स्पिरिट कंट्रोल के साथ नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि गाइस मुझे खेल नहीं मिलता था अच्छे से। तो गाइस अगर आपको ऐसे मतलब बेकार लग रहा है तो बता देना, फिर मैं स्पिरिट कंट्रोल में ही खेल लूँगा। गाइस ये और मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ या फिर आता किस काम में, आप प्लीज़ मुझे मतलब कमेंट में बताइए। और हाँ गाइस कमेंट से याद आया, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि सिलेंडरिया गेम खेलो और कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि ईविल नन खेलो और किसी ने कहा था कि ग्रैनी टू और एक ने कहा था ग्रैनी। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि संडे वाले दिन ही मैं लाऊंगा कोई सा एपिसोड लाऊंगा तो, और लाऊंगा वही वाला जो मैं खेल पाऊँ। और गाइस बाकी ये बचे हुए मैं बाद में ले आऊँगा। गाइस पता नहीं अपने गाँव के सारे लोग पता नहीं कहाँ चले गए, सबके सब गायब हुआ या फिर किडनैप हुआ पता नहीं। अरे यार मैं फिर से टॉर्च चलाना भूल गया, लेकिन अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। एक सेकंड गाइस मुझे डायमंड मिल चुका है दोबारा से, लेकिन एक ही मिला। गाइस ये खुशी भी क्या खुशी, जो दो पल ना टिकी। फिर आ जाइए अगली पे चलते हैं आगे और माइनिंग करते हैं। गाइस अब मुझे ये गेम खेलने में मज़ा आने लगा है, पूछे क्यों? क्योंकि इस वाली मतलब जब अपने लोगों को ज़्यादा सामान मिलता है तभी आता है मज़ा खेलने में। और टॉर्च नहीं पड़ी है क्या? नहीं है। गाइस अपनी पिकैक्स टोटल मरने पे आ चुकी है, अब मुझे नहीं लगता अभी ज़्यादा देर भी टिक पाएगी। लेकिन हमें डायमंड मिल चुके हैं गाइस दोबारा से। आप लोग का विश्वास नहीं मानोगे, ये वर्ल्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, हर कुछ दूर पे ही मुझे डायमंड मिल जाते हैं। ऐसे एक दो टॉर्च ले लेता हूँ। अब ठीक है, अब आ जाइए। गाइस संडे वाले दिन आ जाएगा कोई हॉरर गेम प्ले, आप लोग प्लीज़ उसे देखना ना भूलें। और गाइस आप में से काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, वो फ्री का होता है। और यहाँ पे हमें और डायमंड मिल चुके हैं, लग रहा है गाइस आपने सब्सक्राइब कर दिया, और अगर नहीं करा तो प्लीज़ अभी भी कर दीजिए, अभी मौका है। गाइस देखिए अपने पास 9 डायमंड हो चुके हैं टोटल, और 14 डायमंड ऊपर हैं। अब अपने लोग लग रहा है जल्दी मतलब अपना आर्मर बनाई लेंगे डायमंड वाला। और गाइस हाँ जल्दी ही 200 सब्सक्राइबर वाला सरप्राइज भी आएगा, ये क्या चीज़ है भाई? एक सेकेंड, ओ गाइस ये है क्या? बड़ा ही ख़तरनाक है जो भी है। मुझे नहीं लगता कि अब अपने लोग इससे आगे भी माइनिंग कर पाएंगे, मुझे लग रहा है गाइस अपने लोगों को दूसरी दिशा में माइनिंग करनी चाहिए। अरे मेरी टॉर्च मिल गई मुझे। गाइस एक काम करते हैं, यहाँ से अपने लोग गिर ना जाएं, इसलिए अब यहाँ पे ये लगा देते हैं और अपने लोग अब दूसरी दिशा में माइनिंग करा करेंगे। लेकिन अभी गाइस ऊपर चलते हैं और अपना डायमंड का आर्मर टूल्स बनाते हैं, शायद इतने में हो जाएगा। 14 डायमंड है, 14 और 9 हो गया 23 डायमंड में शायद अपना काम हो जाएगा। और गाइस मेरी पिकैक्स तो टोटली मरने पे आ चुकी है और मैंने अभी तक तो एक्स का यूज़ ही नहीं करा है, यहाँ तक कि गाइस मेरी स्टोन वाली एक्स भी रखी हुई है अभी तक, और मैं उसका भी जल्दी यूज़ करूँगा। अपने लोग जब घर बनाएंगे तो लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो लकड़ियाँ वहीं से लाएंगे। भाई थोड़ा बहुत शुगर आ रहा है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। अभी के लिए जल्दी से चलते हैं,
ऐसे क्या इनको कुछ खाने को चाहिए होता है क्या? इनके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ये लोग क्या खाते होंगे? आप इतने लोग क्या खाते हैं? शायद मीट ही खाते होंगे, तो मीट यहाँ कहाँ से लाऊंगा? यहाँ तो हम सब शाकाहारी हैं। एक मिनट ऊपर देखते हैं कहीं अगर बकरा वकरा मिले तो। एक तो गाय यहाँ पे कोई गाय इंसान नहीं रह गया, वरना इंसान को मार के नहीं खिला देता। हाँ गाय ऊपर दिखी, ऊपर दिखी। अब ये हलाल होंगी गाय, जिन्हें मैं आज कुल्हाड़ी से काटूंगा और काट के ही रख दूंगा। गिनती की तीन है गाय। अरे रुक जा रुक जा, मुझे मेरी तेरी ज़रूरत है। तेरा बलिदान हमें देना होगा और तेरा बलिदान खाली नहीं जाएगा, पेट में जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं। अरे बारिश का टाइम भी बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। और गाइस अपने लोग बिल्कुल मरने की हालत को तुरंत आ चुके हैं। तो जो हार्ट पे अगर किसी ने हमें छू भी लिया तो हम मर जाएंगे। अभी अंदर यार पहले तो हील करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। चलो अब यहाँ पर आकर सबको हील कर लेते हैं ये खा के। चलिए अब उन्हें मुर्गा खिलाया जाए। ये लो और ये भी लो। आज देखिए मैंने तीनों को खिला दिया है, इसी से पता चलता है कि मैं कितना अच्छा मालिक हूँ। हाँ तो फिर गाइस अपने लोग अब बना लेंगे 23 डायमंड्स के कुछ ना कुछ, तो क्या बन जाएगा गाइस इसमें, या फिर अपने लोग अगली वीडियो में करेंगे बाकी सब। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।